बोलिएगा उसमें। हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं कि हैंगर बूस्ट को कैसे निकाला जाता है, इंजन हैंगर बूस्ट को। तो देख सकते हैं इसको पहले जला दिया है वेल्डिंग मास्टर ने, इसको जला लेना है इस रबड़ को। तो थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर देना है दोस्तों, गर्म करने के बाद, रबड़ को जलाने के बाद इसे थोड़ा सा पेचकस की मदद से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे चारों तरफ से। तो देख सकते हैं ये हमारा मुड़ चुका है। अब हम इसे ठोकेंगे इधर से और हमारा बूस्ट बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बूस बाहर हो चुका है। अब हम नया बूस इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों हम पीछे वाले रियर बूस को भी चेंज करने वाले हैं, इसे तो इसे भी जला के हटाएंगे रबड़ को। गैस वेल्डिंग की मदद से बढ़ाओ जलाओ जलाना सर ना। मोबाइल रबड़ को बाहर कर लेंगे पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसे हमने साइड साइड से मोड़ दिया है। अब इसे हम इधर से ठोक दें, अब हम इधर एक्सल की मदद से इसे ठोक देंगे, ये आसानी से बाहर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ये निकल के रेडी हो चुका है। थोड़ा इसमें इस बूस में लगा लेंगे हम थोड़ा सा ग्रीस और इसे ठोक देंगे। देख सकते हैं दोस्तों इजीली चला गया। हो गया, ये हमारा चला गया है। थोड़ा सा और जाएगा अंदर, मरी ना उसी से। अब हम इस साइड का दोस्तों बूस लगा देंगे, हैंगर बूस। यही जाके बॉडी में अटैच रहता है। ये बूस खराब हो जाने के कारण दोस्तों गाड़ी बहुत ज्यादा ही वाइब्रेट करती है। तो देख सकते हैं ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रियर शॉकर बूस को लगाएंगे हम। तो ये भी हो चुका है रेडी। पीछे का भी बूस चला गया था शॉकर का। तो हमारा हैंगर बूस लग के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।